हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो टुडे टॉपिक इज अलजेब्रा फ्रॉम क्लास सिक्स मैथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल लेटेस्ट न्यू वीडियोज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे जो ए लिखा है, बी लिखा है, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं प्लस में लिख देती इधर सेवन, तो सेवन हमारा क्या वेरिएबल होता? नहीं, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता। ओके, सो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू है माइनस वन और बी की वैल्यू है टू, और हमें इनको इवेल्युएट करना है, यानी कि इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, थ्री, और यहाँ पे ब्रैकेट में ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे, फिर आप लिखेंगे फोर इंटू में बी है, यानी कि यहां पर हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, प्लस फोर टू जा एट, और इनको सोल्व करने पर आपको जो आंसर आएगा वो आपका आएगा फाइव। यहां पर फाइव प्लस का आएगा, क्योंकि हमने ये प्लस माइनस के साइन आपने सीखे होंगे, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा। अगर आपका नंबर जो बड़ा वाला नंबर माइनस का है तो आपका आंसर माइनस का आएगा, और अगर आपका बड़ा नंबर प्लस का है तो आपका आंसर फिर प्लस का भी आएगा, और माइनस माइनस होता है आपका प्लस, ठीक है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। सो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टेन एक्स प्लस जेड माइनस वाई फोर, एक्स की वैल्यू थ्री है, वाई माइनस फाइव है और जेड सेवन है। सो एक्स की जगह हम रखेंगे थ्री प्लस जेड, जेड की वैल्यू है सेवन माइनस, और वाई की वैल्यू है आपका माइनस फाइव, ठीक है। आप माइनस इधर है तो माइनस को इधर रखेंगे, और वाई की वैल्यू जो माइनस में उसको ब्रैकेट में रख लेंगे, सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो टेन थ्री जा थर्टी प्लस सेवन, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 42। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस थ्री बी फोर, ए की जो वैल्यू है गिवन है वो है टू और बी की है माइनस वन, सो ए कितना है हमारा टू पावर टू प्लस थ्री और बी की है माइनस वन। सो टू को की पावर टू है तो ये आपका हो जाएगा फोर, टू की स्क्वायर टू है प्लस, लेकिन अगर हम थ्री को वन से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन से तो ये माइनस थ्री आ जाएगा, सॉरी, सो फोर माइनस प्लस माइनस और आपका आंसर आ जाएगा वन। ओके, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक योर आंसर। हमें यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर को चेक करना है। सो देखिए यहाँ पे एक्स है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा है ना प्लस में है फाइव इंटू वन बाय टू और इधर है सेवन इंटू वन बाय टू, तो हम क्या करेंगे, सेवन वन बाय टू ये इधर प्लस है इक्वल के इधर जाके ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो एक तो आप इसको डायरेक्ट घटा सकते हो, दूसरा आप एलसीएम लेकर भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 14 और 115 बाय 2 माइनस ये आपका हो जाएगा 11 बाय 2, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 बाय 2, और यहां पर हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 2। अब हम अपने आंसर को चेक कैसे करेंगे, देखिए जो हमारी इक्वेशन है ना उसमें हम वापस से एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे टू, ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया है यहां पर, और यहां पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूं 15 बाय टू और यहां पे आपका, सॉरी 11 बाय टू और यहां पे आपका आ जाएगा 15 बाय टू, ठीक है। अभी हम यहां पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद यह आपका हो जाएगा 15 बाय टू एंड इक्वल टू 15 बाय टू, दोनों साइड आपका इक्वल है, इट मीन्स आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाय टू इक्वल टू एट, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 16, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए की वैल्यू आ गई 16। अब हम कैसे करेंगे, यहां पर आप ए की जगह 16 रख दीजिए 2, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 8, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 15 इक्वल टू डी बाय टू, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है, और जब आप डी को यहां पर रखेंगे तो हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी
माइनस 5 × 1/4 इक्वल 3 × 1/3। सबसे पहले इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आपका ये हो जाएगा 20 × 21/4 इक्वल टू 3 × 3 = 9 और 1 × 10/3। ठीक है, अभी पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10/3 प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो इक्वल के इधर जाकर हमारा हो जाएगा प्लस। यहां पर आप एलसीएम लेंगे, ये हमारा 12 आएगा, सो यहां पे हमारा 40 प्लस 63। अगर आपको यहां पे एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो डाली है, आप वहां पर चेक कर सकते हो बिल्कुल, अगर आपको बेसिक से सीखना है और अगर आपको एलसीएम और ये जो है लेना नहीं आता किस तरह से हम एलसीएम के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आप वो वाली वीडियोस मेरी देख सकते हो। सो ये आ गया 103/12। सो पी की वैल्यू आपकी आ गई 103/12। यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक्स है इक्वल के इधर में जाके जो 10 हमारा माइनस को हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2.5 ऐड करते हैं तो ये हमारा 12.5 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हम नंबर्स को या वेरिएबल्स को इधर ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 44 और ये आपका आ जाएगा 15, 19। तो x की वैल्यू आपकी यहां पर आ गई 19। ओके, सो इस तरीके से जो हम कर रहे हैं ना इक्वल के इधर नंबर्स को ले जाके, इसी को ही हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालेंगे देखिए, अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका यहां पर आ गया 3। आप चाहो तो यहां पर y की वैल्यू को अगेन जो है रखकर देख सकते हो। नेक्स्ट है देखिए, यहां पर हम किस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पे आपका आ जाएगा 2.5x इक्वल टू 7.5। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2.5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा और यहां पे आपके x की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट देखिए, 16 इक्वल टू m प्लस 9, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m के साथ 9 जो है प्लस में है, इक्वल के इधर जाकर वो माइनस में हो जाएगा तो m की वैल्यू आ गई आपकी 7। नेक्स्ट देखिए, राइट एन इक्वेशन एंड सोल्व द नंबर f लेस देन 28 इज 15। लिखा है द नंबर f, जो नंबर f है लेस देन, कम है किससे, 28 से। सो 28 माइनस f इक्वल टू 15, ये बोला है ना, द नंबर f लेस देन 28 से कम जो है वो 15 है। नेक्स्ट है, टेक अ नंबर मल्टीप्लाई इट, एक नंबर हमें लेना है यहाँ पे, मान लीजिए एक नंबर x है, मल्टीप्लाई इट बाय 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड द रिजल्ट इज 31, व्हाट इज नंबर। सो यहां से हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन हमारी बन गई है। जब हम 18 को आप इधर लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगा 49, सो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।